जी दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक स्पॉटिंग एरर को किया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लगभग 30 तक हम लोग चलेंगे। आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग फटाफट वन बाय वन करके देख लेते हैं। ये देखिए स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो अगर आप पिछले वीडियो में इस प्रोनाउंस को नहीं पढ़े हो तो आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रोनाउन वाले प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउन वाले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही आसानी होगा, और जो पढ़ चुके हैं या जो देख चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग वन बाय वन करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए और मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा वेरी नाइसली। सो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर में दिया हुआ है, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रिवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं वन वन पार्ट करके। तो देखिए द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड, कंपनी हैज़ अपॉइंटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट में। कंपनी है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर है इसका प्रयोग किया गया है, अपॉइंटेड। चलिए कंसल्ट्स, अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स, ठीक है, वह कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करती है टू हेल्प, सहायता करने के लिए, देम उनकी की अपनी सहायता के लिए। तो कंपनी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट, अर्थात देम के स्थान पे क्या हो जाएगा, इट का हम लोग प्रयोग है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज डेफिनेटली चेंज ओन, यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। तो देखिए आइए देख लेते हैं, यू कैन नॉट चेंज, तो इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। यू कैन नॉट चेंज पीपल माने लोगों को, बट माने लेकिन, यू कैन चेंज डेफिनेटली, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, ओन नहीं, योर सेल्फ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे ओन की जगह पे योर सेल्फ का प्रयोग होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू दियर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स, अब ध्यान दीजिए गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस इट्स नहीं होगा, दियर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग दियर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे, दियर का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इवन दोज which have no previous work experience have applied for this job। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए इवन दोज मतलब व्यक्ति के लिए आया हुआ है, तो दोज के लिए हम लोग, व्यक्ति के लिए हम लोग विच का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हु का। तो यहाँ पे विच नहीं होगा, क्या होगा, हु। तो देखिए इवन दोज हु हैव नो
previous work experience have applied for this job. चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नाउ वी सी, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट. तो देखिए यहाँ पे दिया है ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड. तो कौन इरिटेट कर रहा है? टॉक्ड ऑन द फोन, फोन पे बातचीत करना, और फोन पे बातचीत करना सजीव व्यक्ति नहीं है, और सजीव व्यक्ति नहीं है तो हम लोग यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे, अर्थात ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट. ठीक है, यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? विच का प्रयोग होगा. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है 21. इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट. तो देखिए इंस्टीड ऑफ द लेइंग ऑफ, इसमें कहीं गलती नहीं है, द वर्कर्स द कंपनी सही है, decided to ask them to avail voluntary retirement. तो ध्यान दीजिए avail of लेके चलता है, और avail के पहले reflexive pronoun होता है. क्या होता है? reflexive pronoun होता है. तो reflexive pronoun यहाँ पे आएगा वर्कर्स के लिए. किसके लिए? वर्कर्स के लिए. तो यहाँ पे देमसेल्फ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो अवेल है, अवेल के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? देमसेल्फ ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, देमसेल्फ ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट. ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक. तो ध्यान दीजिए टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर. तो ध्यान दीजिए जब दो व्यक्ति होते हैं तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का. तो यहाँ पे ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा. चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट. तो देखिए वी मस्ट सप्लीमेंट सही है, आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ हम अपने डाइट को रखना चाहिए, इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ. तो ध्यान दीजिए कीप अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, तो कीप इट होगा. क्या होगा? कीप इट, वन सेल्फ का यूज नहीं होगा. चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24. मिसेस प्रताप बींग अ गुड टीचर सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड. तो देखिए मिस्टर प्रताप बींग अ गुड टीचर, इसके बाद सीधा वर्ब आएगा,
वर्ब आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन दे दिया गया है तो सी यहाँ पे नहीं होगा, सीधा वर्ब आएगा। क्या आएगा? सीधा वर्ब, क्योंकि जिनका जिक्र हो रहा है नाउन आ गया तो नाउन के साथ प्रोनाउन भी नहीं आएगा। ठीक है, मिसेस प्रताप आ गया पहले से, इसलिए इसके साथ सी का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कैन बी यूज। आइए अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है 24, 25, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, हिज ओन चिल्ड्रेन। तो ध्यान दीजिए, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम नहीं, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होगा। तो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। आइए देख लेते हैं। इट वॉज इन 26, 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ध्यान दीजिए, इट वॉज इन 26, 2006 दैट, दैट नहीं होगा यहाँ पे, व्हेन होगा। क्या होगा यहाँ पे? व्हेन होगा, क्योंकि टाइम दे रहा है, टाइम के साथ हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। तो इट वॉज 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी, क्वेश्चन नंबर 27। इट वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। देखिए, इट वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, सॉरी आई वॉज ड्राइविंग। तो देखिए, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे से ड्राइविंग कर रहा था। अ फुटबॉल हिट माई विंडो, तो व्हेन होगा यहाँ पे? एज नहीं होगा, व्हेन होगा, क्योंकि ये टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? टाइम। जब टाइम दिखाएगा तो हम लोग व्हेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 में क्या दिया हुआ है? मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। तो ध्यान दीजिए, मेनी अ स्टूडेंट ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैव का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का यूज, हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो ध्यान दीजिए, इट वॉज आई होगा, क्योंकि इट वॉज आई होता है, इट वॉज ही होता है, इट वॉज यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा, मी नहीं, अर्थात नॉमिनेटिव केस होगा, अर्थात सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी। तो देखिए, आई वॉन्डर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। तो ध्यान दीजिए, आई वॉन्डर वाई आर यू, अब देखिए वाई आर यू, आर आ गया पहले, यू बाद में, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गलती ये है कि आर को यू के बाद जाना चाहिए। ठीक है, तब बनेगा आई वॉन्डर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 13 क्वेश्चन, अर्थात 16 टू 30 क्वेश्चन देख लिया, 15 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्राय स्पॉटिंग एरर को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।